सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चंस देखने में ही हमको इतने बड़े लगते हैं और हम आधे तो ऐसे ही डर जाते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। बट अगर हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें और अपनी इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस करके डायग्राम अच्छे से बना लें तो क्वेश्चन बहुत ईजीली हो जाते हैं। जैसे हमें यहाँ पर कहा जा रहा है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। एक कैनाल मान लेते हैं, कैनाल की कुछ विथ होगी, ओके। उसके किनारे पर एक टावर खड़ा है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक। वो ध्यान रखना है, एक किनारे पर टावर खड़ा है और एक किनारे से दूसरे किनारे यानी ऑपोजिट किनारे से, हम ऑपोजिट बैंक से इस टावर के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, ओके। और फिर हम इस पॉइंट से आगे क्या लिखा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से हम 20 मीटर दूर जाते हैं तो एक दूसरा पॉइंट होता है, वहाँ से भी हम इसी टावर के टॉप को देखते हैं तो हमें नज़र आता है एंगल ऑफ एलिवेशन वो 30 डिग्री है, ओके। और क्या लिखा हुआ है, लाइन को बहुत ट्विस्ट करके लिखा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से 20 मीटर अवे जो एक पॉइंट है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट को ज्वाइन करती हुई लाइन पर ही ये पॉइंट है, वहाँ से हम इसके टॉप को देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ओके। ये बहुत कंफ्यूज करके लिखा जाता है बट होता बहुत ही सिंपल है। इस पॉइंट से हम देख रहे हैं तो वो पॉइंट से हमें 30 डिग्री एंगल मिल रहा है। और कंफ्यूजन ये आता है जब हम डायग्राम बनाते हैं कि हमें अवे जाना है तो कुछ बच्चे लेफ्ट में यानी कि टावर की तरफ चले जाते हैं, लेकिन हमें ये कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज़ करना है कि पहले अगर 60 डिग्री है और दूसरा एंगल 30 डिग्री है, एंगल छोटा हो रहा है मतलब हमें टावर से दूर जाना पड़ेगा तभी हमारा एंगल छोटा होगा। बट ऑब्वियस है, ट्राइंगल पर अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें, हम जितना इस टावर के नज़दीक जाएंगे एंगल उतना ही बड़ा होता जाएगा। हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल बड़ा होगा, दूर जाएंगे तो, बट ऑब्वियस है कि ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट, देखने की लाइन, तो वो एंगल जो बनाएगी वो एंगल छोटा होता जाएगा। फाइन, अब हमारा डायग्राम तैयार है, हमें सिर्फ फाइन करना है अभी जो यहाँ पे है वो हाइट ऑफ द टावर यानी ए बी फाइंड करना है और विथ ऑफ द कैनाल यानी बी सी फाइंड करना है। तो ए बी टावर की हाइट है, बी सी कैनाल की विथ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ए बी सी ट्राइंगल में, हम यहाँ लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, हम अगेन टेन रेशियो को लेंगे, सो टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, बेस हो जाता है बी सी, टेन 60 में वैल्यू होती है √3, ए बी अपॉन बी सी हमें वो नहीं पता है, हम यहाँ पे ए बी क्योंकि वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ये भी कॉमन सेंस हमें लगाना है, ऐसी चीज़ जो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है हम उसके लिए इक्वेशन बना लेते हैं। सो ए बी इक्वल टू बी सी √3, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। फिर हम चलते हैं दूसरे ट्राइंगल में, हम यहाँ लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल में टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए बी अपॉन बी डी, ओके, ए बी अपॉन बी डी, टेन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1/√3, ओके। और ए बी हमें नहीं पता, बी डी इज बी सी प्लस सी डी, तो बी डी की जगह हम लिख लेते हैं बी सी प्लस सी डी। अब 1/√3 ए बी, बी सी नहीं पता लेकिन सी डी तो हमें पता है, दैट इज़ 20, यहाँ पे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं सो हमारे पास आ जाता है ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस 20/√3। इसको हम बना लेते हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन, और अब हम फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशंस में ए बी की जो वैल्यूज़ आई है उसको इक्वेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ए बी की जो वैल्यूज़ हैं दैट इज़ बी सी √3 इज़ इक्वल टू बी सी प्लस 20/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √3 × √3 हो जाएगा 3, 3 बी सी इक्वल टू बी सी प्लस 20,
BC को लेफ्ट में ले लिया, 3BC माइनस BC इक्वल टू 20, 2BC इक्वल्स टू 20, BC इक्वल्स टू 20 बाय 2, सो BC इक्वल्स टू 10। हमारे पास जो हाइट सॉरी जो विथ ऑफ द कैनाल है वो आ गया 10 मीटर्स। अब हमें फाइंड करना है AB, हाइट ऑफ द टावर। तो AB है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन BC रूट 3, ओके BC रूट 3, दैट इज BC की वैल्यू है 10, सो इट इज़ 10 रूट 3 मीटर्स। तो हाइट हो जाती है टावर की 10 रूट 3 मीटर्स और विथ ऑफ द कैनाल हो जाती है 10 मीटर्स।